शेल्डन पैट्रिक की फैमिली के लिए खुदावंद के हुजूर गुजारनी चाहेगी। सलीमा बशीर के घराने के लिए, जैसियल एहसान के घराने के लिए, खुर्शीद असलम के घराने के लिए, तनवीर असलम के घराने के लिए, हमीदुल्ला के घराने के लिए, रहमान अशरफ के घराने के लिए, नसीर नवाब के घराने के लिए, जावेद फोकर के घराने के लिए, साजिद नासर के घराने के लिए, नुमान जावेद के घराने के लिए, अरशाद परवेज के घराने के लिए, मंशा सरदार के घराने के लिए, रुबीना फारस के घराने के लिए, अफसस्ती के घराने के लिए खुदाम के हुजूर गुजारनी चाहेगी। के रहीम और मेहरबान खुदावंद इन तमाम घरानों की शुक्रगुजारियों को कबूल करें, घरानों पर हमेशा मेहरबान हो और इन्हें अपने पनाह और अपनी हिफाजत में रखें। और मरहूमीन में सरदार नवाब की रूह के लिए, शहनाज की रूह के लिए, अनायत की रूह के लिए, बहादुर बगा की रूह के लिए, नादिया नासर की रूह के लिए और परवीन बोटा की रूह के लिए आज के दस पानी खुदाओं के हुजूर गुजारनी चाहेगी। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदा, आए सारी फितरत के बनाने और बचाने वाले खुदावंद खुदा, तूने अपनी रसा के मुताबिक अपने कलमों को दायमी कुमारी के बदन में इंसान बनने दिया। अपने रमोग्रम से हमारी दुआओं की तरफ मतवजो हो ताकि तेरा इकलौता बेटा हमारी इंसानी साथ को अपना कर हमें अपनी इलाही साथ में शरीक कर ले। हमारी ये तमास कबूल कर मसीह हमारे खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। सातवां बाब दसवीं का चौदहवीं आयत। उस वक्त फिर खुदावन ने अहाज से कलाम करके कहा कि खुदावन अपने खुदा से कोई निशान मांग, या तो नीचे खड़े में या ऊपर बुलंदी में। अहाज ने कहा, नहीं मांगूंगा और खुदावन को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के घराने, अब सुन, क्या तुम्हारे नजदीक ये छोटी बात है कि तुम आदमियों का मेराज करते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? इसलिए खुदावन खुद तुमको निशान देगा, देखो कवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, नाम जिसका तर्जुमा है खुदावन हमारे साथ है। पागलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। चला का पाचा है।
दामन का बेटा यीशु मसीह जो इब्ने दाऊद की नस्ल से है। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालू ससुर का अर्थात रोमियो के नाम उसका पहला पाप उसकी पहली याद से सात हजार था। पलूसी दामन से बंदा और बुलाया हुआ रसूल है और जो खुदा की इस अंजील के लिए महसूस किया गया जिसका वादा उसने पहले अपने इबिया की मार्फत पाक मुस्तों में अपने बेटे के हक में किया था और जबदस्त की निस्बत दाऊद की नस्ल से हुआ और तकदीर की रूह की निस्बत मुद्दों में से जी उठा और इतने खुदावंद का गलादार साबित हुआ यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद के हक में जिसकी मार्फत हमने रसालत का कदर पाया ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों को ईमान की तहारत मिलाए जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के बुलाए हुए हो उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे और बुलाए हुए मुकद्दस हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह की जानिब से तुम्हें फजर और सलामती हासिल हो। पाक लब के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन खुदा की बड़ी बरकत है। जलाए रखना यीशु आने वाला है हमारे लिए आज की सिरे मुकदस बाब ताबिक मुकदस मती होने से पहले रुकदस से हमला पाई गई तब उसके शोर यूसुफ ने जो रास पास था और उसे रिसवा करना नहीं चाहता था इरादा किया कि चुपके से उसे छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो खुदा के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा यूसुफ दाऊद के बेटे अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो। देखो तुम्हारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम अमैनुएल रखें जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अब यूसुफ ने नींद उठकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उससे फरमाया था और अपनी बीवी को अपने पास ले आया। कहता आज के शिरे मुकद्दस शिरे मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाए। अमल की मोहब्बती कह रहे हैं एक दोनों चीजों की जरूरत हमारी इंसानी मुआशरा इंसान को दोनों चीजों की जरूरत आज पापमा कैथलिक कलीसिया की लुटूरिया के मुताबिक अमन की मोमबत्ती जो है वो हम रोशन करते हैं और इस अमन की जरूरत का अंदाजा इसकी अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि बाइबल मुकद्दस में 400 से ज्यादा दफा लफ्ज अमन इस्तेमाल हुआ है। किंग जेम्स वर्जन चार्ल्स में तकरीबन 429 बार ये लफ्ज अमन इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ साथ इस वक्त पूरी दुनिया में सियासी तौर पर सामाजिक तौर पर दुनियावी तौर पर अमन के लिए बेशुमार कोशिशें जो है वो की जा रही। जब मैं लाहौर में था तो वहां पर फादर सैमसन दिलावर जो शायर हैं
उन्होंने पंजाबी में एक रस्म सुनाई थी, बहुत पुरानी रस्म है और शायद 15 साल पहले, लेकिन उसका पहला हिस्सा आज भी मुझे याद है और उसका अनुमान अमली था। और उस नस्म में वो फरमाते पंजाबी में रस्म थी कि जो दी अमन की घुगी मार गई, जो दी अमन की घुगी मार गई, किते बंदा मार गया किते बुढ़ी मार गई। जब से अमन की फाफता जो है वो इस दुनिया से गायब हो चुकी या मर चुकी है, तो आए दिन कहीं पर दहशत गर्दी बम धमाके होते हैं, कहीं पर इंसान आदमी मरते हैं, कहीं पर औरतें जो है वो मरती। जो भी अमन की कुकी मार गई कितने बंदा मर गया कितने कुटी मार गई। बहुत सारे जाहिर तौर पर मरते हैं, लेकिन बहुत सारे जिंदा लाशों की तरह इस जमीन पर जो है वो हमें घूमते फिरते दिखाई देते हैं। हमारी अंजील बाइबल मुकद्दस हमें एक बेहतर मसीह जिंदगी गुजारने के बारे में हमारी मदद और रहनुमाई करती है, और इसलिए चाहे अमन के हवाले से, चाहे मोहब्बत के हवाले से, उम्मीद के हवाले से, खुशी और शादमानी के हवाले से, अखलाकियत के हवाले से, जो भी किसी भी चीज को हम देख लें, बाइबल मुकद्दस में उसको बेहतर और अच्छे अंदाज में गुजारने के हवाले से जो है हदायत दी गई। आज जब हम अमन की मोमबत्ती रोशन करते हैं तो सबसे पहले यकीन हमें जानने की जरूरत है कि अमन क्या चीज है, अमन है क्या, अमन है कि कोई बता सकता अमन है, अमन क्या चीज, किस चीज को हम अमन कह सकते हैं, अमन का सुकून किनू कही है, मैं ही पूछ सला सलामती रहना भी जरा अमन। और अमन जो है वो इंग्लिश में कहते हैं एब्सेंस ऑफ वॉर, जो है वो उसे अमन कहा जाता है। जंग की गैर मौजूदगी जो है वो अमन, जंग की दुनिया और ये जंग मुदुक्कद राज काशी मुकद राज भी हो सकती, और जंग सर्द जंग भी जड़ी बहुत सारे खानदान चलते रहेंगे भी जड़ी चलते रहेंगे। जंग एक तो दो मुल्कों के दरमियान होती है, उसका पता चलता रहता है। जी यूक्रेन और रूस की आजकल जंग है, उसके बारे में हर रोज जो है वो खबरें आती रहती हैं। जी इन्हें बंदे उतने मार गए नहीं, इन्हें बंदे उतने मार गए नहीं, फौज ने उतनी चढ़ाई कर दी है, इस तरह के मामले। लेकिन दूसरी जंग सर्द जंग जो है हमारे खानदानों में लगी रहती है और उसका पता जो है वो बसाई तौर पर नहीं चलता, लेकिन वो सर्द जंग जो है वो तूल बहुत दफा पकड़ती पकड़ती जाती है, और फिर आखिर में कल रात को यहाँ पर दो भाइयों के दरमियान लड़ाई हुई थी, तो वो उसका आखिरी जो है वो आखिरी नतीजा जो है इस तरह से निकलता है सर्द जंग। ये भी बहुत दफा हमारे खानदानों में चलती रहती है, और इस जंग को खत्म करने के लिए, इस जंग से छुटकारा पाने के लिए खुदा पाकलाम हमारी रहनुमाई करता है। इस तरीके से शायर भी फरमाते हैं नामे पाक में कि जब वो अमन का बादशाह इस जमीन पर आएगा, लिखा है कि उसका नाम ये है अजीब मुशीर खुदाए कादिर बाप अब्दी शांति का रईस दाव के तब और मुमलिकत पर उसकी हुकूमत होगी। एक तो यह है कि खुदा को अपनी जिंदगी में पा ले, खुदा के साथ अपने ताल्लुक और अपने रिश्ते को जोड़ ले, खुदा के साथ अपने ताल्लुक को गहरा कर ले, तो फिर इस तरह की जंग जदल से सब जंग से छुटकारा पाया जा सकता है, या फिर हम जिंदगी को बेहतर तरीके से समझे। ये जिंदगी जो हमें अता की गई जमीन पर, इसका दुरानिया
जो है वो बाइबल के मुताबिक एक आम ताजुब के मुताबिक 50 से 60 के दरमियान है, और इसका अभी मौजूदा वक्त में पता भी नहीं चलता कब हम पैदा हुए, कब जवान हुए, कब बूढ़े हुए और कब इस जमीन से चले। और हमारी इंसानी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा, हमारी इंसानी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा 60 सालों में से 30 से 40 साल जो है वो दूसरों के लिए गुजर जाते हैं, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों पर तनकीद करने में, दूसरों की बुराइयों निकालने में, दूसरों को नीचा दिखाने में। और अगर ये सारी बातें हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए तो जो अमन की शम्मा आज हमने रोशन की है, जो अमन की शम्मा आज सबसे ज्यादा जिसका शोला जलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये वाकई हमारे जिंदगी में इसका कोई असर जो है वो रूनमा होता हुआ हमें नजर आए। और इसी तरह से मुकद्दस लूका की चील में भी यही अमन और शांति का पैगाम उसके दूसरे बाग की 13वीं आयत में दिया गया है कि आग में पाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन, जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि हम में से कितने लोग नेक इरादे के हैं और इसका हम खुद अपने तौर पर इसका अंदाजा लगा सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपनी जिंदगी पर सोचो विचार कर सकते हैं कि हमारे इरादे, हमारे रवैये, हमारी सोच है वो किस किस्म की है। और जो ईद जिसके लिए हम पूरा साल इंतजार करते हैं, जो ईद हम 6 दिन के बाद मनाने वाले हैं, उस ईद का पैगाम, उसी का मकसद, उस ईद की रूहानियत जो है वही हलीमी और क्रोधी है, मोहब्बत है, एक दूसरे को कबूल करने की है, एक दूसरे की बर्दाश्त करने की। और अगर ऐसा नहीं है तो इन 6 दिनों में भी हमें इस बात की दावत दी जा रही है, दावत दी जाती है कि हम अपनी जिंदगी में खुदा के इरादों को लेकर आए, अपनी जिंदगी अपने दुनियावी इरादों की बजाय खुदा के इरादों को, खुदा की सोच को, खुदा को अपनी जिंदगी में जगह दें, क्योंकि वो हमारे साथ, खुदा हमारे साथ है। तुम्हारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे बाकी जो है वो सोच सकते हैं कि नहीं है, खुदा हमारे साथ है और खुदा का ये साथ कभी भी हमसे जुदा नहीं हुआ, खुदा का ये साथ कभी भी हमसे जुदा नहीं हुआ है। उस वक्त भी जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में मुकम्मल भूल चुके हैं, उस वक्त भी जब हम मुकम्मल ना उम्मीदी में, उस वक्त भी जब हम खुदा की मोहब्बत से बिल्कुल दूर है, उस वक्त भी खुदा हमारे साथ है, क्योंकि वो इम्मानुएल है, जिसका मतलब ये है कि खुदा हमारे साथ, जिसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, हाल भी जो है वो इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हे में खुदा हमारे साथ, जब हम यहां से बाहर जाएंगे उस वक्त भी खुदा का ये साथ हमारे साथ रहेगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, आमद के इन आयाम में पाक मां कलीसिया हमें दावत देती है कि खुदा की उस मौजूदगी को, खुदा की उस पाक हुज़ूरी को जिसका उसने वादा किया है, उसे अपनी जिंदगी में महसूस करें, उसका रूहानी तजर्बा अपनी जिंदगी में करें, ताकि इस ईद को मनाने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हों। जाहिर तौर पर किन हमने बहुत सारी तैयारियां करनी है
और बहुत सी तैयारियां शुरू भी हो चुकी हों घरों की। अभी पांच मास के बाद मास्टर जी भी ऐलान करेंगे डेकोरेशन के लिए हमें जो है वो पैसे दरकार है, चंदा दरकार है, और घरों की जो है आरइश डेकोरेशन वगैरह सब की जाएगी। नए कपड़े जो है वो हमने किरण लेने हैं, लेकिन इन सब तैयारियों के साथ साथ रूहानी तैयारी का अमल भी जरूरी है, क्योंकि जिस मसीहा की, जिस नजात दहिंदा की, जिस इमानुएल की पैदाइश का दिन हम मनाने वाले हैं वो दुनियावी नहीं है बल्कि रूहानी है, और उसका जलाल और उसकी कुदरत जो है वो रूहानी इलाही। उसी तलाव में आज की पहली तलावत और पंचीर मुकदस इंसानी जिंदगी की अक्कासी करती है कि किस तरह से हमारी जिंदगी में बहुत दफा शक और शुबात आते हैं, इंसानी सोचे जो है वो हमारी जिंदगी में आती हैं और हमारी जिंदगी के अमल को जो है वो बेचैन कर देती है, हमारी जिंदगी में बेचैनी और इस्तराब को जन्म देती है। लेकिन जब खुदावन इंसान की जिंदगी में आता है, जब हम उसकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी में महसूस कर लेते हैं, तो दुनियादारी की बेचैनी, दुनियादारी के रंज और गम जो है वो हमारे उस इलाही अमन को, शांति को झंझोड़ या बेचैन नहीं कर सकते हैं। और आज फातिमा कहती कलीसिया हमें दावत देती है कि जहां पर अमन की बहाली के लिए, जहां पर अमन को बहाल करने के लिए पूरी दुनिया कोशिशें कर रही है, बहुत सारे हमारे इन भाइयों बहनों में से भी जो एनजीओस वगैरह में काम करते हैं, जो अदारों में काम करते हैं, वो सब अमन की बहाली के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। इन तमाम कोशिशों के साथ साथ हम रूहानी तौर पर भी खुदावन से ये फसल मांगे, खुदावन से ये कुवत मांगे कि खुदावन हमें इस काबिल बनाए कि हम उस अमन और शांति का, उस मोहब्बत का तजर्बा खुद पहले खुद करें और फिर इस तजर्बे को दूसरे लोगों के साथ बांट सकें। आए हम चरण हाथ के लिए खुदावन का शुक्र करें कि खुदावन ने आज का दिन हमारी जिंदगियों में हमने बख्शा है और हमने बड़ी खुशी और शादमानी के साथ अमन की शमा रोशन की है कि खुदावन हमें अपनी बरकत अता फरमाए, हम पर अपना फसल कायम करें ताकि हम आने वाले दिनों में, आने वाले दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और बड़ी खुशी और शादमानी के साथ अपने मसीहा, अपने खुदावन को अपनी जिंदगियों में खुशामदी कह सके। खुदावन अपने पाक नाम के जरिए से आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। Oh,
अपने सर को झुकाएं। आए खुदावन हमारे खुदा, बख्श दे कि वही रूह कुदस जिसने अपनी कुदरत से मुकद्दस मरियम के बदन को पुर किया, इन नजरानों को पाक करे जो हम तेरे पाक अल्तार पर पेश करते हैं, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावन आपके साथ हो, चला तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तमाम अंबिया उसकी पेशन गोई करते रहे, कुंवारी माँ मरियम ने इंतहाई प्यार से उसे गोद में लिया, मुकद्दस यूहन्ना ने उसकी आमद की खबर लोगों को दी और उसके आने पर उसे लोगों को दिखाया। उसने हमें ये फसल बख्शा कि हम खुशी के साथ उसकी पैदाइश के भेद का इंतजार करें, ताकि वो हमें हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शाद मान पाए। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हमद व सना बयान करते हैं। कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने रोटी और पैर पाक और मुतबरिक हो, और हमारे यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। उसने खाने के बाद में अलग लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अभ्यास में ये मेरे खून का प्याला जो तुम्हारे बल के बहुत से लोगों के काम की माफी के वास्ते बहाया जाएगा, मेरी याद में जित किया। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी कयामत का इंतजार करते हैं और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी पाप फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब आदमी को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे काम मोहब्बत अता फरमा। अपनी बंदी प्रवीण बूटा पर नसर कर जिनकी आज छठी बरसी है, बख्श दे जिससे तूने जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थी, इसी तरह वो जीवने में भी उसके साथ रहे। नीज तमाम रहमों को याद कर जिनमें सरदार नवाब शहनाज, अनायत बहादुर, बहादुर बग्गा, नादिया नासर और प्रवीण बूटा है, और इन सब अपनी रोशनी में कबूल फरमाओ।
हम तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ तुम्हारी मरियम मुबारक रसूलों मुकदस फ्रांसिस मुकदस क्लारा और उन सब मुकदस के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हों, और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिए उसी के साथ उसी में तुझ फादर उतनी खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत की ताबरसत और तासीम श्याम हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए हमारे बाप जो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना चाहे तेरी बात सही है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती रही है जमीन पर भी हो हमारे उस सुन के आज सुन ले और जिस तरह के लिए कर्जदारों का उसे तू हमारे कर्ज में बख्श हमें ऐसा इसने पढ़ी है बल्कि क्राइस्ट के साथ आमीन। आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सऊदियों से बचा इन दिनों में शांति बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का इंतजार करते हुए हर बहुत गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। हम सब मिलकर दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआ करें कि जो शांति की शमा हमने रोशन की है उसकी रोशनी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे हमारे घरों में हमारी जिंदगियों में भी इसकी रोशनी इस पर नूर हमेशा कायम रहे। आए खुदावंद यीशु मसीह तूने हमें रसूल का मैं अपनी शांति तुम्हें देता हमारे गुनाहों में नहीं बल्कि अपनी तीसरे की उसे वो शांति दाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है आमीन। और हमारे प्रवेश के सामने वक्त आपके साथ आई सब एक दूसरे के सामने
और बेटे और उसकी बरकत और फसल आप सब पर हमेशा नासिब रहे। हमारी इबादत हो चुकी है, खुदावंद की शांति में हमेशा